हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुले आप सभी को मेरा तो हो हेलो प्रणाम आंटी जी आज सूख गए कपड़े आज तो थोड़ी थोड़ी धूप थी तो होप आप सबके से एकदम बढ़िया होंगे अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो मैं तो सुबह सुबह कपड़े डाल के चली गई थी आधे कल शाम को धोए थे छोटी के और वो तो सूख ही गए हैं बाकी सुबह धोए थे तो वो अभी सूखने बाकी है। वैसे तो सुबह से अच्छी खासी धूप थी आज वैसे तो सूख गए मशीन में अच्छे से सुखा दो तो फिर सूख ही जाते थोड़ी सी धूप में। और जो हमारे यहाँ पे एक अंकल जी रहते थे उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनका सामान जा रहा है। देखो इतना बड़ा ट्रक आ रखा है वो ट्रक आ रखा है यहाँ पे बाकी उनके ऑफिस के लोग आ रहे हैं यहाँ पे सामान ले जाने के लिए। ये सामान ले जाने में लाने में इतनी आफत जैसी आती है ना क्योंकि हम लोगों ने तो पापा जी के साथ बहुत ट्रांसफ़र देखे जहाँ पापा जी का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ हम लोग बस ट्रक में सामान रखा थोड़ा 3-4 साल एडजस्ट होते थे उस जगह पे उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो जाता था फिर दूसरी जगह के लिए सामान पैक वैक करो ट्रक मंगाओ ये करो वो करो। बाप रे अब जाके थोड़ा पापा जी और रिलैक्स है क्योंकि अब तो रिटायरमेंट हो गया ना वरना तो बस ट्रांसफ़र ऐसे ही सामान वामान ले जाओ और इतनी आफत आती है ना ये सब पैक करने में। फैमिली से जो लोग आर्मी वाली फैमिली से होंगे जो लोग ऐसे ट्रांसफ़र जाते होंगे उनको पता होगा ये चीज़ें हमने भी बहुत देखी है। धूप देख के सब ने देखना अपने छतों में कैसे कपड़े भर रखे हैं। बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ पे ट्रक इस गली में देखना वहीं पे रोक दिया क्योंकि इससे आगे नहीं आ पा रहा था वहाँ पे वो पेड़ लग रहा है। तो बाहर तो होने लगी है झमाझम बारिश में जैसे नीचे आई छत से थोड़ी देर कपड़े वपड़े सूखे और उसके बाद बारिश होने लगी फिर कपड़े नीचे लेके आने पड़े। और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे दिन के लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं बना रही हूँ आज इनके लिए भटके डुबके अपने के लिए भिगाई यहाँ पे मूंग दाल की खिचड़ी मूंग की खिचड़ी बनाएंगे आज अपने के लिए। और सुबह आज सोना को नहलाया था तो आज वो मस्त से अभी सो रखी है तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा फुर्सत मिली है। बारिश कब कम होगी यार समझ नहीं आ रहा भयंकर बारिश ही बंद नहीं हो रही भाई साहब यहाँ। कहाँ आज हल्की हल्की धूप आई थी मैंने कपड़े देखना यहाँ स्टैंड में यहाँ लगा रखे आंटी जी ने कहा गाड़ी के ऊपर डाल देते यहाँ भी लगा रखे अब तो सूख ही गए होंगे ये लगभग लगभग क्योंकि अब मौसम बारिश वाला हो गया उठाने पड़ेंगे सारे। अब बरसात के टाइम है ना देखना कैसे हो रखा है यहाँ पे पूरा। और ये काकू भी बड़े बड़े हो गए आजकल टू नो। तो अभी तो मैं चला हूँ अपनी साइट पे नीचे नीचे का तो काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह का काम था प्लास्टर वगैरह का काम था वो सारा फिनिश हो गया। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ गर्मी बहुत है क्योंकि उमस हो रही है ना और नीचे तो ऐसे बादल छाए हुए मस्त लग रहा है यहाँ से व्यू अभी। मैं अभी खड़ा हूँ डाइनिंग में ये देखो कुछ इस तरीके का है ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं सीधे यहाँ पे कुछ इन्वर्टर वगैरह रखने का काम आ जाएगा। ये एक कॉमन बाथरूम है ये पूरी 4 फीट की गैलरी है एक रूम इधर है एक रूम उसके आगे है फिर उधर किचन है ये वाला डॉर्मेट्री है मतलब स्टाफ के लिए और ये पूरा डाइनिंग हॉल है तो आपका डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब इधर ही होने वाला। और यहाँ से व्यू देखो आप एक बार यहाँ नीचे गड्ढे खोद रहे हैं कॉलम डालेंगे फिर उसके बराबर में लेंटर पड़ जाएगा मतलब मेरे पाँव से थोड़ा सा आगे थोड़ा नीचे एक स्टेप नीचे 6 इंची नीचे लेंटर पड़ जाएगा फिर उधर से इधर तक पूरा लेंटर आ जाएगा। ये लोग तो गाने वाने सुनते हुए मस्त काम कर रहे हैं। ये स्टेयर्स में अभी ऊपर जो स्टेयर्स चढ़ रही हैं इसमें प्लास्टर होना है बिजली की फिटिंग होनी है ऊपर बाकी सारी जगह पे बिजली की फिटिंग विटिंग हो गई है वही सब। एक बार मैं कमरे भी दिखा देता हूँ आपको रूम का साइज़ कुछ इस तरीके से 12x14 के कमरे निकले हाइट इनकी काफ़ी है 12 फीट ऑलमोस्ट 11.5-12 फीट है तो गर्मियों में ज़्यादा हाइट वाले कमरे अच्छे रहते हैं। इसका बाथरूम ये है यहाँ पे लाइट नहीं है सॉरी लेकिन इसका बाथरूम और व्यू देखो यहाँ से आप उधर हल्द्वानी दिखता है पूरा नीचे फ्रंट का प्लास्टर छूटा हुआ है ये प्लास्टर हो जाएगा अब से पीओपी पुट्टी का काम बचा हुआ है ये स्टाफ रूम है इधर इसका वॉशरूम इधर है वो पीछे की विंडो वेंटिलेशन के लिए मैंने इधर पे ऐसा डोर दिया हुआ है
मतलब ये दो पल्ले वाला डोर होगा, दो साइड खुलेगा। एक रूम ये है, मैं कुछ पेड़ लेके आया था लेकिन ये पेड़ मैं लगा नहीं पाया क्योंकि आगे आगे तो मैंने पेड़ लगा दिए नीचे नीचे दीवार को सुरक्षित करने के लिए। ये देखो एक रूम का साइज़ ये है, 7x5 की विंडो ये है, इसमें पूरा ग्लास आएगा, इधर पल्ले वाली विंडो आ जाएगी। इसका बाथरूम ये है जी, वाटरप्रूफिंग का सारा काम हो गया इसमें, इधर विंडो आएगी बड़ी। किचन भी दिखा देता हूँ, किचन में एक विंडो का काम होना था तो चेंज हो रही है विंडो, ये विंडो चेंज होनी है इसका, ये वाली लकड़ी थोड़ा ख़राब हो गई थी तो ये विंडो का ये वाली लकड़ी चेंज होनी है। देवकी नंदन कैसे हो, ठीक हो? देवकी नंदन शुरू से प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है, बहुत मेहनती लड़के हैं भाई। ये देखो ये रहा किचन का एरिया, ये पूरा किचन बनेगा, इधर आएगा फ्रिज, इधर स्लैब पड़ेगी, तो ये काम अभी बाकी है। बाकी आगे वाटर टैंक बनाया हुआ है जिसमें कल फर्श हुआ है, इधर एक अंदर एक वाटर टैंक बनाया हुआ है जो कि है 12-13 हज़ार लीटर का पानी का टैंक, क्योंकि गर्मियों में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो होम स्टे प्रॉपर्टियों में तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए बैकअप के लिए बनाया हुआ है। अब चलते हैं ऊपर, पीछे गैलरी भी छूटी हुई है, पीछे की गैलरी है देखो, और गैलरी में काफ़ी स्पेस है भाई, अगर ऐसे स्लैब पड़ गई तो इसके ऊपर भी कुछ सामान वामान रखने का, उधर तक बहुत बड़ी गैलरी है। ऊपर देखते हैं कितना काम हुआ है। ये आ गए मैं ऊपर, यहाँ इधर एक प्लास्टर बचा हुआ है इस साइड, ये फेस तो प्लास्टर हो गया, दो लाइट के लिए भी उनने रॉड छोड़े हुए हैं, इधर लाइट की फिटिंग होनी है, प्लास्टर होगा। शंकर भाई उधर कर रहे हैं जीने का काम। चौधरी अंकल क्या हाल वाह? ठीक वाह। इधर अपना रिसेप्शन एरिया, ये पूरा रिसेप्शन एरिया आ गया, उसके ठीक सामने एक रूम, ये ओपन स्पेस, ये हमारे राजा भैया बिल्कुल फुर्सत से बैठे हुए, हमारे ठेकेदार साहब। इधर हमने इसमें डोर बीम डाली हुई है क्योंकि इसमें UPVC का काम होना है सारा फ्रंट में। ये एक रूम है, उस साइड में उसका वॉशरूम, इसके ठीक सामने रिसेप्शन, दूसरा रूम ये है, इसकी प्राइवेट बालकनी ये है, इसमें भी डोर बीम पड़ गई है, इसमें भी UPVC पूरी लगेगी, स्लाइडिंग वाली विंडो। इसका बेड इस साइड है, उस साइड वार्डरोब वगैरह बन जाएगी। इसका वॉशरूम ये है, वॉशरूम में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम में ये वाटरप्रूफिंग किया हुआ है पूरा, देखो कम से कम 5 फीट तक वाटरप्रूफिंग ताकि लीकेज ना आए। और पुट्टी उट्टी लास्ट में जैसा आपने देखा होगा पुट्टी निकलने लग जाती है बाहर को, प्लास्टर पेंट सब ख़राब हो जाता है, वो नहीं होगा। हाइट काफ़ी है, वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखा है, उस बाथरूम का सीधे यहाँ से वेंटिलेशन बाहर आउट हो जाएगा। एक रूम और है अंदर, ये गैलरी सीधे रिसेप्शन में खुलेगी, इसका डोर ये है, ये रूम है, ये रूम भी काफ़ी बड़ा निकाला है, थोड़ा आगे मैंने बढ़ा के बनाया है इसको क्योंकि रूम थोड़ा छोटा निकल रहा था। इसमें भी UPVC विंडो आनी है, और यहाँ से भी आप एक बार नज़ारा देखो, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है भाई। इसका बाथरूम है ये बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। आप लिए चलता हूँ मैं आपको सीधा स्टेयर्स जहाँ से ऊपर चढ़ रही हैं, ये तो नीचे से स्टेयर ऊपर आएंगी, ये स्टेयर सीधा चढ़ेंगे, ये विंडो आएगी यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे आएगी बड़ी, ये स्टेयर्स चढ़ रही हैं सीधा ऊपर की तरफ, ये स्टेयर्स जाएंगे सीधा ऊपर छत पे। शंकर भाई भी काम कर रहे हैं, शंकर भाई कैसा चल रहा है, ठीक हो रहा है? शंकर भाई ने गाने लगा रखे ज़बरदस्त। स्टेयर सीधे ऊपर जाएंगे, ऊपर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जब आप छत में चढ़ेंगे, अभी तो स्टेप्स नहीं बनाए हुए ना, तो ये देखो कुछ इस तरीके के नज़ारे होंगे भाई छत से। एक रूम ममटी में आएगा स्टाफ वगैरह के लिए, काफ़ी बड़ा स्पेस है रूम का भी ऊपर, उसके ऊपर पानी की टंकियाँ रखेंगे हम लोग। ये पूरा स्पेस देखो छत में काफ़ी खुला हुआ है, और नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ये देखो पूरा 180 डिग्री व्यू मिलेगा यहाँ से आपको।
नीचे ठीक मेरे सामने बोहराकुंड दिख रहा है। बोहराकुंड से नीचे एक रोड हल्द्वानी, एक रोड ऊपर भीमताल, और ठीक मेरे पीछे हमारी बिल्डिंग के पीछे जो रोड जा रही है वो सीधा सात ताल जा रही है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर मात्र। सूर्या गांव भी उसी साइड है, और जिस साइड में ये हमारी लोकेशन है ये नीचे जंतवाल गांव का एरिया है पूरा। बहुत ही सुंदर और पीसफुल गांव है, काफ़ी हरियाली हो रही है आजकल। ये देखो ये ओपन स्पेस है, रूफ टॉप, वहाँ पूरी विंडो आएगी बड़ी। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है होम स्टे का हमारे। अगर आपको जो भी काम अच्छा लगा हो या कहीं पे गलती हो रही हो काम में, तो भी आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना, कुछ चेंजेस। बाकी तो हमारे हिसाब से तो जैसे सोचा है मतलब उसी हिसाब से चल रहा है अभी काम। राजा भाई और दीपू ने काफ़ी अच्छे से काम को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि हमने उन्हीं को ठेके पर दिया हुआ है सारा काम, क्योंकि मटेरियल तो हम सब ला के दे रहे हैं उनको, लेकिन वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे मटेरियल में भी। तो काम अभी तक का तो बहुत अच्छा हुआ है, आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा ही होगा काम, क्योंकि अब तो मेन इंटीरियर का काम होना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आगे इंटीरियर वगैरह सब अच्छा लगेगा, है ना। आज देखो मौसम खुला है बारिश के बाद। चलो मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, फिर करते हैं लंच वंच, फिर मिलते हैं आपको। अभी हो रहे हैं शाम के 4:30। आज पता है ये नियति सो ही नहीं रही है भाई साहब, इसने कल रात भी इतना परेशान किया, सोने ही नहीं दिया। कल रात की नींद तो ऐसी ही रही, सुबह भी मैं आज 9:45 उठी हूँ और तब भी ये सो ही नहीं भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया। और अभी भी इसको मालिश वालिश करके भी मैडम सो ही नहीं। 4:30 बजे अब जाके धूप आई है थोड़ी सी, तो बाहर सास जी धूप झूला झुला रहे उसको, तब जाके ज़रा सा आँखें बंद कर रही थी उसने, खोल दे रही है। अब मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे चाय। अभी आ रखे प्रदीप भैया यहाँ पे छोटी से मिलने के लिए। इधर है भैया बड़े दिनों बाद। भैया तब से बाहर ही बैठ गए धूप में ये, क्योंकि यहाँ पे धूप की सिकाई चल रही है मैडम की हमारी। ये देखना सो ही नहीं रही है भाई, जैसी झूले में लेटाया वैसे ही इसने आंखें खोल दी फिर से, गोदी में सोने का नाटक करती है बस ये। नियति आज अभी जाके सोई है 7 बजे भाई साहब, सुबह से इसने परेशान कर दिया। वो भी जब मैंने इसकी नज़र उतारी, बोलते ना माँ की नज़र लग जाती है, एक परसों ही अच्छे से सोई थी, मेरी नज़र लग गई उसको। आज पूरे दिन भर नहीं सोई, कल पूरी रात नहीं सोने दिया इसने, और आज भी अब जाके थोड़ा सा सोई है। तब तक मुझे मौका मिल गया, अब यहाँ पे फटाफट से खाना रखा है। बच्चों के साथ मज़ा तो आता है, पर बच्चे परेशान होते तो फिर बुरा भी लगता है, क्योंकि वही रो रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ थोड़ा अजीब सी हो जाती है ना, बुरा भी लगता है भयंकर। हमारा तो क्या है, हम उतना परेशान नहीं जितना वो खुद परेशान हो रही है, तो इसलिए अब थोड़ा शांति मिली है कि चलो सो गई वो। और आज मालिश भी नहीं हुई है, क्योंकि मालिश वाली दीदी आज आई नहीं, उनके गेस्ट हैं, क्योंकि वो जॉब भी करती हैं, तब उसके बाद यहाँ पे आती है मालिश करने के लिए। तो अभी कुछ दिन तक वो आएंगे नहीं, जब तक उनके गेस्ट हैं तब तक हम ऐसी रहेंगे, मैं ऐसी रहूँगी, मतलब थोड़ा बहुत अपनी खुद ही हाथ पैरों की कर लूँगी, बाकी तो वही करेंगे।